अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए पहले हमें चाहिए आधा लीटर दूध और एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून शक्कर। अब मैं दूध को चूल्हे के ऊपर रख, अब हम इसमें शक्कर डालेंगे यानी चीनी। एक उबाल आने के बाद इसमें मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर डालूंगी दूध। ये देखिए अब इसमें उबाल आने लगा है, इसमें ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा सा उसमें पानी में उसको मिक्स करके। अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे 2-3 उबाल आने तक। ये जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे गैस। ये हम शक्कर थोड़ी सी कम डाले हैं क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं, तो जब कोई फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें चीनी थोड़ी कम डालते हैं, और अगर आप जैसा चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे तो उसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा डलेगी। ये देखिए आप ऐसा गाढ़ा हो गया ये दूध। अब मैं इसको गैस ऑफ कर दूंगी और मैं इसको एक कंटेनर में डाल दूंगी और हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो, और इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये फ्रीज़र से मैं इसको निकाल ली हूँ आइसक्रीम को। ये पूरी ज़्यादा मतलब ये घट नहीं हुई, हालांकि थोड़ा होना और भी आप रख सकते, लेकिन अभी मैं इसको निकाल ली हूँ। तो अब ये हम इसको क्रीम लेंगे, एक प्याली क्रीम लेंगे, और ये 2 आम का रस है तकरीबन 1.5 कप। ये आप क्रीम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, अमूल का या जो भी आप ले सकते हैं, विप क्रीम चाहिए। अब मैं पहले ये क्रीम को इसमें बोल में डालूंगी और इसको अच्छे से मैं विस्क करूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें आम मिलाऊंगी। और ये देखिए मैं इसको अच्छे से विस्क कर ली। अब मैं इसमें आम डालूंगी, आम का रस। फिर इसको भी मैं अच्छे से विस्क करूंगी थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं ये आइसक्रीम जो आइसक्रीम बेस में बना के रखी हूँ वो डालूंगी। अब ये आइसक्रीम बेस इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। ये मैंगो एसेंस है और ये मैंगो का कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आइसक्रीम में यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा नहीं चल रहा, तो बस बच्चों को उसका एसेंस बनता नहीं, तो इसलिए मैं बिल्कुल बगैर एसेंस के आइसक्रीम बना रही हूँ। ये देखिए मैं सारे चीज़ों को मिला के अच्छे से विस्क कर ली, और इसको अब हम एक कंटेनर में डाल के 6-7 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। कंटेनर पे फॉइल लगाएंगे और इसको अच्छे से पैक करके फ्रीज कर देंगे। ये मैंगो आइसक्रीम रात भर फ्रिज में थी, अब मैं इसको खोल रही हूँ। वाओ, ऐसा आप जो है इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी बनाइए इसको और खाइए, अच्छे से एंजॉय करिए। अगर आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। हजारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।